आज हम बनाएंगे चूड़ीदार पजामा। तो चूड़ीदार पजामे के लिए मैंने ये 2.5 गज का पीस है मेरे पास, और ये मेरा ग्रीक का कपड़ा है शलवार का, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको ऐसे खोलना है, और इसे ऐसे जैसे हम अम्ब्रेला शेप में रखते हैं ना, आपने इसे ऐसे रखना है, ये देखें, ठीक है। देखिए मैंने अब इसे इस शेप में रखा है, अब आपने इसको देख लिया ना, तो आपने ऐसे ही रखना है। अब हम इसको कटिंग करते हैं, तो आपने इस पॉइंट से इसको लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ से इसकी चौड़ाई रखी है 5 इंच, ठीक है। अब आपने ऐसे इसको निशान लगा लेना है, फिर उसके बाद आपने इंची स्टेप को ऐसे रखना है 15 इंच पर। ये जो 15 इंच का मैंने निशान लगाया है, ये वो हमारा निशान है जो हमारी चुन्नट आएंगे, ठीक है। अब आपने इस हिस्से पर भी ऐसे ही 5 इंच का निशान लगाना है, और इन पॉइंट्स को अब आपने ऐसे इंची स्टेप से निशान लगा देना है। तो देखिए ये हमारा, ठीक है। अब उसके बाद आपने यहाँ से अपनी लेंथ को रखना है, जितनी आपने इसकी अपनी पजामे की या आपकी शलवार की लेंथ है। तो जो मैंने अपनी लेंथ रखनी है वो रखनी है 34 इंच। तो देखें अब आपने यहाँ हमारा जो कपड़ा है इस हिस्से से यहाँ पर हमने जोड़ लगाना है, ये हमारा हिस्सा कम है। आपने अब यहाँ से इंच स्टेप को ऐसे रखना है 15 इंच तक। ये मैं फर्जी एक निशान लगा रही हूँ, ठीक है। ये आप ये समझ लें कि आपका ये जोड़ लगा हुआ है, लेकिन ये जोड़ हम बाद में लगाएंगे। 15 इंच तक ये घेर है शलवार का, एक निशान आपने यहाँ लगाना है 15 इंच पर। अब हमने इसके आसन को लेना है, तो आपने अब ये जो निशान लगाया है यहाँ से आपने इसके आसन को रखना है। तो आसन जो है वो मैंने रखनी है 2.5 इंच का नेफा लेना है। ये मैं 18 इंच पर निशान लगा रही हूँ आसन का, ठीक है। अब आपने इसे ऐसे सीधा ले जाना है चौक को, जितनी आपकी आसन है। अगर आपकी आसन 14 इंच है तो 2.5 इंच का आपने नेफा लेके 16.5 ले लेना है, ठीक है। लेकिन मैंने 18 इंच लिया है, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए लिया है, बाद में हम सिलाई के वक्त उसे कवर कर लेंगे। अब ये जो हमारा हिस्सा है, अब आपने ये जो पॉइंट है आपका, अब आपने इसे ऐसे कर देना है, इनको आपने ऐसे मिला लेना है। तो अब हम अपने पजामे को कटिंग करते हैं। आपने जैसे निशान मैंने लगाया उसी तरह आपने भी लगाना है, और फिर इसे ऐसे कटिंग कर देना है, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब आपने देखें ये वाले हिस्से को मैं कटिंग कर रही हूँ, इस वाले हिस्से को, ठीक है। जो जोड़ हमने लगाना है ये थोड़ी सी रेव है, मैं पहले इसे निकाल दूँ, फिर जो साइड से हमारा पीस निकला है उसे हम जोड़ में इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब आपने ऐसे इसको जोड़ लगाना है, तो ये देखें, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। तो ये जो हमारी लेंथ है ये पूरी हो जाएगी।